वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. आई एम गौरव गुप्ता. कम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो. इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 5.4 बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल इट्स बेसिक कंसेप्ट दैट वी विल नीड इन दिस चैप्टर. सो आई यू गॉट माई ऑल द वीडियोज? इफ यू नॉट, सो प्लीज गो टू माई प्लेलिस्ट एंड ऑल वॉच द प्रीवियसली वीडियो. So I'm going to start our first question. Now look at the first question. What is our first question? You have to find out the modulus and the principal arguments. And the question is what? 1 plus square root of negative 3. And you have to find out modulus and principal argument. You already know what is modulus means magnitude. And principal arguments, we have to find out amplitude or theta. It's very easy. It means we have to convert a complex number into polar form. It's very easy. So what are the steps you have to need? So please make a note. सबसे पहले देखिए कि complex number क्या है. 1 plus square root of negative 3. लेकिन यहाँ iota दिखाई नहीं दे रहा. लेकिन square root of negative 3 क्या है? Imaginary number. कैसे है? Please make a note. This can be written as 3 into minus 1. So same as this can also be written as square root of 3. Negative 1 means iota square. So what we will get? We get 1 plus square root of 3 iota. Now this number becomes just a complex number. अब आपको find out करना है modulus और एक principal argument. मैं दोनों तरीके से बताऊंगा. यदि competitive exam में आएगा तो इस question को कैसे करेंगे, और competitive exam में था hope आपने पहले सीख रखा है in my second video में. अब हम इसको according to board exam या paper में कैसे attempt करेंगे उसका भी समझिए. सबसे पहले हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है. तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लेट कंसीडर करिए कि 1 प्लस रूट 3 आयोटा मींस आपको क्या कैलकुलेट करना है, आर और थीटा. तो इसको पोलर फॉर्म में लिखिए. दिस फॉर्म इज बेसिकली कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म. ये कौन सी फॉर्म है आपकी? रेक्टेंगुलर फॉर्म है. और आपको पता है किस फॉर्म में लिखना होता है आपको? पोलर फॉर्म में. कब? जब आपको क्या फाइंड आउट करना हो, जब आपको r फाइंड आउट करना हो, मॉडुलस फाइंड आउट करना हो, जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना हो, तो आपको r निकालना है, थीटा निकालना है. और r और थीटा कब निकलेगा? जब आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. और आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का रूल पता है, क्या रूल था? आई एम राइटिंग अगेन x प्लस आयोटा वाई. ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये फॉर्म कौन सी है आपकी? रेक्टेंगुलर फॉर्म. तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है? r cos theta प्लस में iota r sin theta. तो आपको इस फॉर्म को यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है. तो सबसे पहले आप ये देखो, 1 प्लस रूट 3 iota है. कहीं आपको थीटा नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा. तो ये कौन सी फॉर्म है? ये कार्टेशियन फॉर्म है या रेक्टेंगुलर फॉर्म है? तो लिखिए इसको यहां पर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 iota इज इक्वल टू व्हाट? r cos of theta प्लस में iota r sin theta. इसकी हेल्प से हम आर भी फाइंड आउट करेंगे और थीटा भी फाइंड आउट करेंगे. तो आपको क्या करना है? स्टेप वन, डू कंपेयर. कंपेयर करिए इसको. कंपेयरिंग कैसे करते हैं? रियल पार्ट को कंपेयर करिए रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करिए इमेजिनरी पार्ट से. व्हाट यू विल गेट? आई एम राइटिंग जस्ट द रियल पार्ट इन दिस लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट? 1. सो वी गेट 1 इज इक्वल टू, and the real part on the right hand side is what? R cos theta. So 1 is equal to R cos theta. Same. Imaginary part on the left hand side is what? Square root of 3. And the imaginary part on the right hand side is what? R sin theta. So this is what? This is equation 1. This is equation 2. अगेन समझिए, जब आपको मॉडुलस निकालना हो या प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना हो या आपने क्वेश्चन में आपको पोलर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना हो, तो स्टेप वन क्या है? सबसे पहले आपको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म को लिखना है. दिस इज व्हाट? x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा. कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म कौन सी है? 1 प्लस रूट 3 आयोटा. तो आपको मॉडुलस निकालना है. मॉडुलस क्या है इसमें? r है. और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है इसमें? थीटा है. तो आपको r निकालना है, थीटा निकालना है. तो इसके लिए आप क्या करिए? कंपेयर करिए. कंपेयरिंग कैसे करते हैं? रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से. सो रियल पार्ट इज व्हाट?
वन, सो मैंने यहां लिखा वन, रियल पार्ट इन द राइट हैंड साइड इज व्हाट, आर कॉस थीटा, यहां लिखा आर कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट, रूट थ्री, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, आर साइन थीटा, तो वी गेट आर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, ये आपका स्टेप वन है। तो हर क्वेश्चन में आपको यही स्टेप अप्लाई करना है, जब क्वेश्चन में आपको अगेन बता रहा हूं, जब मॉडुलस फाइंड आउट करना हो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना हो, या अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो आपका स्टेप वन यही रहेगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको इक्वेशन वन मिल गई, इक्वेशन टू मिल गई, आपको सेकंड स्टेप टू है, मैं लिख देता हूं यहां पर स्टेप टू। स्टेप टू में करना है आपको स्केलिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन वन एंड टू, स्केलिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो सबसे पहले स्केलिंग करिए और उनको ऐड करिए, आपको पता है लेफ्ट लेफ्ट साइड होगा, राइट राइट साइड होगा, तो वन का स्केल क्या होगा, वन का स्केल इज वन, प्लस रूट थ्री का स्केयर क्या होगा, थ्री होगा, आर का स्केयर क्या होगा, आर स्केयर, कोस का स्केयर क्या हो गया, कोस स्केयर थीटा, प्लस आर का स्केयर, आर स्केयर, और साइन का स्केयर क्या हो गया, साइन स्केयर थीटा। सो वी गेट वन प्लस थ्री इज इक्वल टू आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब आपको क्या करना है, सोल्व करिए इसको, वन प्लस थ्री वी गेट फोर इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन आउट हो रहा है, आर स्केयर, सो प्लीज टेक अ कॉमन आर स्केयर, सो वी गेट वट cos square theta plus sin square theta। तो आपको क्या मिल गया, cos square theta plus sin square theta, और आपको identity पता है, cos square theta plus sin square theta is what, 1, so this is what, r square is 4 is equal to r square, so what we get 4 is equal to r square, यदि r square की value 4 है, तो r की value क्या होगी, square root of 4 which is plus minus 2, so we get what, r is plus minus 2, लेकिन आपको पता है R is what, नोट करिए यहां पे, R क्या होता है, R is modulus, और modulus never be in negative, तो modulus कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट मीन्स क्या है, जो नेगेटिव वैल्यू R की है वो कैंसिल आउट हो गई, तो आपको R की वैल्यू क्या मिल गई, R is 2, ये था आपका स्टेप 2। अब क्या करना है, आपको स्टेप 3 अप्लाई करना है, R की वैल्यू को पुट करना है इन इक्वेशन 1 एंड 2, पुट इट इन इक्वेशन, मैं लिख देता हूं इसको यहां पे स्टेप 3, आप याद रखिए इसको, स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो पुट करिए 1 इज इक्वल टू व्हाट, R, R की वैल्यू क्या है, 2 cos थीटा, ऐसे यहां सेकंड में पुट करिए क्या है, रूट 3 is equal to what, r, r की value 2 sin theta, तो आपको दो value मिल गई, एक हो गई 1 is equal to 2 cos theta और second is root 3 is equal to 2 sin theta, यहां से किसकी value निकाली, cos theta और sin theta की value, तो cos theta becomes what, 2 को इधर ले जाइए 1/2, ऐसे यहां से value निकालिए, ये क्या बन गया, root 3/2 sin theta, और आपको चेक करने का तरीका बताया था मैंने, बहुत इजी तरीका था, क्या तरीका था, सबसे पहले जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको चेक कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था आपका, 1 प्लस रूट 3 आयोटा था, इसे दिखाई दे रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं वापस से, क्वेश्चन में क्या था, 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि इसमें रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो जब दोनों पॉजिटिव आते हैं इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 0 से 90 के बीच में, तो इसका मतलब यहां पे जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में आएगी। अब देखिए sin थीटा की वैल्यू रूट 3 बाई 2 कौन से एंगल पर होती है, 60 डिग्री पर, सो वी गेट व्हाट, आपको इन दोनों से क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप चेक कर सकते हो, देखो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 बाई 2, और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। यदि नहीं याद तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ओपन करिए, चेक करिए कि sin 60 की वैल्यू भी रूट 3 बाई 2 होती है और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो दोनों जो ये वैल्यूज है, इसको यहाँ नंबरिंग डाल देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन 3 डाल दो, इसको इक्वेशन 4 डाल दो,
फ्रॉम इक्वेशन लिख दिया करो, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4, मतलब ऐसी वैल्यू यहाँ पे थीटा की पुट करनी चाहिए जिससे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वो वैल्यू कौन सी है, 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया आपका, 60 डिग्री। तो दो आंसर कौन कौन से हो गए, आपका पहला आंसर था मोडलस, पहला आंसर ये आंसर 1, सेकेंड आंसर ये आंसर 2। ये क्या है, मोडलस, और दिस वन इज व्हाट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आपको यही चीज निकालनी थी, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, सो प्लीज मेक अप नाउ। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, सेम आपको मोडलस फाइंड आउट करना है, आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, और इसको रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में। स्टेप्स सारे सेम है, तो ट्राई करिए इसको, डू इट योरसेल्फ, अपनी नोटबुक ओपन करिए और साथ साथ सॉल्व करते रहिए और चेक करिए आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टेप 1 इज व्हाट, मैं फटाफट करूंगा, आप फटाफट करिए। स्टेप 1 वर्ड क्या था आपको, सबसे पहले इसको एक्सप्रेस करना है, फॉर्मूला क्या था आपका, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू व्हाट, r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा। नाउ पुट द वैल्यूज, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, ये फॉर्म एज इट इज रहेगी, r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा। फिर कंपेयर करिए, कंपेयर करिए या क्या कहते हैं इसको, इक्वेटिंग, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, 1 इज इक्वल टू रियल पार्ट यहाँ पे r cos थीटा, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 1। सेम इमेजिनरी पार्ट इज हियर 1, एंड इन दिस इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट, r sin थीटा, ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब अप्लाई क्या करना है, स्टेप 2 क्या था, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो आप करिए स्क्वेयरिंग करिए और एडिंग करिए किसको, इक्वेशन 1 एंड 2। सो डू, सो व्हाट इज 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर अगेन 1, r का स्क्वायर इज व्हाट, r स्क्वायर, cos का स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा, सेम हियर r का स्क्वायर इज r स्क्वायर और sin का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो एवरी टाइम जब भी आप करोगे तो आपको जो ये वैल्यूज है वो हमेशा सेम मिलेगी, तो इतना लेंथी स्टेप नहीं है ये तो आपको करने पे लग रहा है, यदि आप थोड़ा सा शॉर्टकट करना चाहो तो इसको डू फास्ट कर सकते हो। 1 प्लस 1 इस क्या हो गया, 2 हो गया, दोनों में से कॉमन आउट क्या हो गया, r स्क्वायर, सो वी गेट व्हाट, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, अगेन यू नो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, सो वी गेट व्हाट, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट 2, लेकिन हम r की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आप लिख दीजिए r नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब r की वैल्यू अंडर रूट 2 आपका आंसर आ गई। तो आपका मॉडुलस निकल गया r, अब आपको क्या निकालना है, थीटा, उसका स्टेप क्या था, स्टेप 3, सो आई एम अप्लाइंग स्टेप 3, क्या था, पुट करिए, पुट द वैल्यू ऑफ r, वैल्यू ऑफ r किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 का आई गई लिखिए, 1 इज इक्वल टू r, r की वैल्यू क्या है, रूट 2 cos थीटा, सेम टू सेम सेकंड इक्वेशन क्या है, 1 इज इक्वल टू व्हाट, r, r की वैल्यू रूट 2 sin थीटा। अब इसको सिंपलीफाई करना, इट्स वेरी इजी, करिए सॉल्व इसको, cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल बन गई, 1 बाई रूट 2, ये इक्वेशन क्या हो गई थर्ड। ऐसे ही यहां से sin थीटा की वैल्यू निकालिए, sin थीटा की वैल्यू क्या बन गई, 1 बाई रूट 2, ये इक्वेशन क्या हो गई फोर्थ। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 व्हाट वी विल गेट, आपको देखना है कि cos थीटा की वैल्यू 1 बाई रूट 2 और sin थीटा की वैल्यू भी 1 बाई रूट 2, मतलब दो एक ऐसा एंगल देखिए जिसपे sin थीटा और cos थीटा सेम आते हैं, कौन सी वैल्यू होती है, 45, और आपको यहां से दिखाई दे रहा था 1 प्लस आयोटा, मतलब रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेंट 1 आएगा और क्वाड्रेंट 1 में एंगल कितना आता है, 0 से 90, तो 45 आंसर क्या आपका करेक्ट है। सो आंसर इज व्हाट, वी गेट व्हाट, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको आंसर किस फॉर्म में लिखना है, आपका आंसर रहेगा ये, तो आप लिखिए r की वैल्यू क्या थी आपकी, r इज व्हाट, r इज की वैल्यू है √2, तो यहां लिखोगे आप √2 cos थीटा प्लस सॉरी, और थीटा की वैल्यू भी निकल गई आपकी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री, तो यहां लिखिए 45 डिग्री प्लस
iota r, फिर अगेन रूट टू साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर है ये रूट टू कोस 45 प्लस में आयोटा रूट टू साइन 45। और बुक में यदि 45 नहीं लिखा होगा तो पाई बाई 4 लिखा होगा, क्योंकि पाई बाई 4 का मतलब क्या है 180/4 45। सो आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 -2 आयोटा। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो स्टेप वन क्या होता है इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखा जाए। तो प्रॉपर फॉर्म क्या है, रियल पार्ट नहीं है तो ये 0 -2 आयोटा आप एक प्रॉपर फॉर्म में बन गया। अब आप अप्लाई कीजिए, फॉर्म इज सेम, व्हाट इज द फॉर्म, एक्स प्लस आयोटा वाई, मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू वाट आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा। करिए अप्लाई, यहाँ पे आपका नंबर क्या है 0 -2 आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा। स्टेप वन कर रहे हैं, अब क्या करेंगे इक्वेटिंग, इक्वेटिंग करिए, रियल पार्ट यहाँ पे क्या है जीरो है और रियल पार्ट यहाँ पे क्या है r cos थीटा, तो इक्वेशन क्या बन गई 1। इमेजिनरी पार्ट यहां पे क्या है -2 और इमेजिनरी पार्ट यहां पे क्या है r sin थीटा, तो ये इक्वेशन क्या बन गई 2। अब क्या करते हैं स्टेप 2, स्टेप 2 इज व्हाट स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। सो डू स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करिए, इट्स वेरी इजी। 0 का स्क्वायर इज व्हाट 0 प्लस -2 का स्क्वायर इज व्हाट 4। आर का स्क्वायर इज अगेन सेम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज सेम आल्सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो राइट हैंड साइड इज ऑलवेज सेम, टेक इट कॉमन टू आर स्क्वायर, आपको क्या मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन दिस इज 1। सो वी गेट व्हाट, वी गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई +-2, और आपने लिख दिया r की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपका आंसर r इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। सो आप स्टार्ट करिए r इज इक्वल टू 2, स्टेप थर्ड क्या था पुट करना इसको, स्टेप थर्ड पुट इट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन 0 इज इक्वल टू r, r की वैल्यू कितनी आई 2 cos थीटा, तो इनसे पहले वैल्यूज निकाल लीजिए cos थीटा की, cos थीटा इज व्हाट 0/2, और 0/2 क्या होता है 0, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या मिली आपको 0, दिस इज इक्वेशन 3। अब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करिए -2 इज इक्वल टू r, r की वैल्यू कितनी है 2 sin थीटा, सो -2/2 इज इक्वल टू व्हाट sin थीटा, कट गया -1, तो आपको क्या मिला साइन थीटा की वैल्यू 1, दिस इज इक्वेशन व्हाट 4। अब ध्यान से देखिए, आपने यदि सेकंड लेक्चर अटेंड किया हो तो आप मुझे फटाफट थीटा बताइए, अदरवाइज आई विल टोल्ड यू, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, आप देखिए ध्यान से, मैंने आपको पहले बताया था कि थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि यही वैल्यू कंफ्यूजिंग होती है। इसके लिए देखिए अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है रियल पार्ट इज 0 मतलब पॉजिटिव काउंट कर सकते हो, और इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट नेगेटिव, तो रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल आपको पता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है एंगल लाई करता है 0 से -90 के बीच में, याद रख लीजिएगा, नहीं तो अपनी सेकेंड जो वीडियो बनाई थी मैंने वो सेकेंड वीडियो को चेक करो, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इस चैप्टर के, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है 0 से -90 डिग्री के बीच में होती है। अब देखिए कोस थीटा की वैल्यू 0 कौन से डिग्री एंगल पर होती है, कोस 90 पर, थीटा इज इक्वल टू 90, कोस 90 क्या होता है 0, लेकिन यहाँ पे हम साइन 90 पुट करते हैं, साइन 90 तो 1 होता है माइनस तो नहीं होता, लेकिन आपको पता है क्वाड्रेंट क्या है 0 से 90 के बीच में आएगा, लेकिन कौन सी वैल्यू आएगी नेगेटिव, सो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इन दोनों इक्वेशन को 90 वाली, लेकिन -90 वाली, सो आंसर इज व्हाट थीटा इज -90 डिग्री। तो आप लिख सकते, लिखो यहाँ पे फ्रॉम
equation 3 and 4. We get what? Theta is negative minus 90. So answer is what? Answer kya tha aapka? R cos theta plus में iota R sin theta. अब R की value क्या आई थी आपकी? 2. So this becomes 2 cos. और theta की value क्या बन गई? Minus 90. Plus में iota 2 sin minus 90. आप ऐसे आंसर छोड़ सकते हो. और 90 को दूसरी फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? 2 cos minus 90 क्या होता है? Pi by 2 होता है इन रेडियन में. Plus में iota 2 sin माइनस पाई बाय 2. तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा. तो डिग्री में करना चाहते हो तो ये आंसर, और रेडियन में लिखना चाहते हो तो ये आंसर. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ प्लीज लुक एट द क्वेश्चन पार्ट 4. माइनस 16 प्लस में 1 प्लस आयोटा रूट 3. सबसे पहले तो ये फॉर्म a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही नहीं है. तो स्टेप 1 क्या था आपका? पहले तो उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. क्या करना पड़ेगा इसको? रैशनलाइजेशन. सो करिए रैशनलाइजेशन. क्या बन जाएगी ये फॉर्म? माइनस 16 डिवाइड बाय सॉरी 1 प्लस आयोटा रूट 3. रैशनलाइज करिए इसको. 1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा रूट 3. क्या वैल्यू मिलेगी आपको सॉल्व करेंगे तो? माइनस 16 इंटू 1 वी गेट माइनस 16. माइनस 16 इंटू प्लस आयोटा 16 रूट 3. नाउ दिस इज व्हाट? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर बन गया आयोटा स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3. सो वी गेट व्हाट? वी गेट माइनस 16 प्लस आयोटा 16 रूट 3. नाउ दिस इज व्हाट? 1. आयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव सो वी गेट 1 प्लस. सो आंसर इज व्हाट? माइनस. इफ यू टेक 4 एज अ कॉमन तो व्हाट्स द आंसर? 4 इफ यू टेक कॉमन माइनस 4 प्लस आयोटा 4 रूट 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 क्या हो गया? 4. और 4 से क्या कट गया? 4 कैंसिल आउट हो गया. तो आपका आंसर क्या मिल गया आपको? आपको मिला माइनस 4 प्लस आयोटा 4 रूट 3. ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया a प्लस आयोटा b फॉर्म में. आप स्टार्ट कर सकते हैं. ये किस फॉर्म में हो गया आपका? a प्लस आयोटा b फॉर्म में. अब इसको क्या लिखेंगे हम? r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा. करिए स्टार्ट करना, इक्वेटिंग करना. इफ यू डू इक्वेटिंग व्हाट वी विल गेट? रियल पार्ट इज हियर माइनस 4 एंड रियल पार्ट इज हियर r cos थीटा इक्वेशन नंबर 1. इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट? 4 रूट 3. एंड इन दिस इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट? r sin थीटा. दिस इज इक्वेशन 2. स्टेप 1 क्या था? हो गया कंप्लीट. स्टेप 2 करिए स्केलिंग एंड एडिंग. स्केलिंग एंड एडिंग करेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा? माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48. यहां क्या मिल गया आपको? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या मिला आपको? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब सॉल्व करिए इसको. 48 और 16 कितना हो गया आपका? 62 इज इक्वल टू व्हाट? आर स्क्वायर कॉमन आउट ले लीजिए. क्या बन गया आपका? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. सो प्लीज मेक अ नोट और हम चेक कर लेता हूँ कि ठीक आया या नहीं आया. प्लीज मेक अ नोट. सो जस्ट वेट अ मिनट. 48 और 16 कितना हुआ? 64 हुआ. गलती से क्या लिख दिया हमने? 62. करिए सोल्व. अब cos के थीटा प्लस sin के थीटा क्या बन गया? 1. तो आपको क्या वैल्यू मिली? 64 इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो r की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस माइनस 8. तो r की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती. तो आपका आंसर r इज इक्वल टू क्या आ गया? 8. तो आपको r की वैल्यू मिल गई. अब हम स्टेप करेंगे थर्ड. सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट. नाउ अब हमें क्या मिल गया? r की वैल्यू 8 मिल गई. स्टेप थर्ड क्या था? पुट द वैल्यूज ऑफ r इन इक्वेशन 3 हो फर्स्ट एंड सेकेंड. सो पुट इट इन इक्वेशन 1 एंड 2. वी गेट हमें क्या मिला? माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट? r की वैल्यू कितनी थी? 8 cos थीटा. और यहां से क्या मिला आपको? 4 root 3 इज इक्वल टू r 8 sin थीटा. तो आपको थीटा निकालना है. यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या बन गई?
माइनस 4 बाय 8 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 कोस थीटा, यहां से वैल्यू क्या बन गई, साइन थीटा इज व्हाट 4 रूट 3 बाय 8, सो वी गेट व्हाट रूट 3 बाय 2 साइन थीटा। तो सबसे पहले अपना कॉम्प्लेक्स नंबर चेक करिए, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, माइनस 4 प्लस 4 रूट 3 आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब ध्यान से देखिए क्वाड्रेंट चेक करिए कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट क्या है आपका नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका पॉजिटिव, रियल पार्ट नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितने डिग्री का होता था, पॉजिटिव होता था, 90 डिग्री से कहां तक होता है वो 180 डिग्री के बीच में, तो आपको 90 से 180 के बीच में एंगल मिलेगा। अब कौन सा एंगल होगा उसको निकालने का बहुत ही इजीएस्ट मेथड होता था, क्या मेथड बताया था कि यहाँ पे थीटा देख लो, थीटा डिग्री की वैल्यू कितनी होती है उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन थीटा की वैल्यू रूट 3 बाई 2 कौन से एंगल पर होती है 60 डिग्री पर, सो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 60, तो आपका आंसर क्या होगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू व्हाट 120 डिग्री। तो आपको सिर्फ थीटा देखना होता है यहाँ पे कि किस डिग्री पर वैल्यू आ रही है, जिस डिग्री पर वैल्यू आती है उसको 180 में से माइनस कर दीजिए, तो 180 माइनस 60 कितना हो गया 120। अब देखिए 90 और 180 के बीच में एंगल आना चाहिए था, हमारा क्या एंगल क्या आया 120, इसका मतलब आंसर इज करेक्ट है। और 120 को आप लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो 2 पाई बाई 3, क्यों, क्योंकि आपको पता है पाई का मतलब 180 होता है, 180 को 3 से डिवाइड करोगे 60, 60 इंटू 2 कितना हो गया 120, तो आपका आंसर 120 में लिख सकते हो या 2 बाय बाय 3 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा लिख देते हैं, फॉर्म क्या होती है हमेशा, हाँ आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा, आर की वैल्यू आपकी निकल गई थी, क्या वैल्यू निकली थी आर की 8, सो दिस बिकम्स 8 कोस और थीटा की वैल्यू 120 लिख लो या 2 बाय बाय 3 प्लस में आयोटा 8 साइन 2 पाई बाई 3, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, सो प्लीज मेक अ नोट। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट ये पार्ट फिफ्थ करा रहा हूं, 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, अगेन द फॉर्म इज नॉट इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, तो आपको फर्स्टली क्या करनी होगी इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो डू स्टेप, सबसे पहले क्या करिए इस स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, क्या रिजल्ट आएगा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इसको फर्दर सोल्व करिए क्या बन जाएगा ये 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज व्हाट नेगेटिव, सो दिस इज माइनस 2 आयोटा, सो व्हाट वी विल गेट, वी गेट 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस, देखिए 1 माइनस 1 0 और वी गेट व्हाट माइनस 2 आयोटा और दिस इज नेगेटिव सो दिस बिकम्स पॉजिटिव, सो वी गेट व्हाट 1 प्लस 2 आयोटा एंड ये टर्म क्या हो गई, तो आपस में ही कट गई, तो आपको क्या मिला जस्ट ओनली 1, तो 1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यस है, क्योंकि इसका रियल पार्ट शो 1 है, इमेजिनरी पार्ट इज नॉट, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, दिस कैन बी रिटन एज 0 प्लस सॉरी 1 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसको इमेजिनरी पार्ट को क्या ऐड करोगे 0, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। करिए स्टेप 1 अप्लाई करिए, x प्लस आयोटा y इज व्हाट r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा, नाउ पुट द वैल्यूज, नंबर इज व्हाट 1 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा, नाउ पुट द वैल्यू, इक्वेट करिए इसको, इक्वेटिंग रियल पार्ट इज हियर 1 एंड रियल पार्ट इज हियर r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट r sin थीटा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अप्लाई नेक्स्ट स्टेप स्केलिंग एंड एडिंग, सो मैं अप्लाई कर देता हूं यहां पर, देखिए क्या आंसर आएगा, करते हैं अप्लाई स्टेप 2 स्केलिंग एंड एडिंग,
करिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। सेम हियर, यहां पे तो हमेशा क्या टर्म मिलती है आपको, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पे तो बहुत आसानी से टर्म मिलती है, r स्क्वायर कॉमन आउट करके क्या बन जाता है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बार-बार यही टर्म बनेगी, फिर भी मैं लिख रहा हूं 1 is equal to what r square, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1, r की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, put it in equation number 1 and 2, so please make a note first, so please put करिए, r is equal to क्या है 1 है, so we get what 1 is equal to r की वैल्यू 1 cos theta, और ये equation क्या बन गई 0 is equal to 1 sin theta, so cos theta की वैल्यू क्या आ गई 1 by 1, 1 ही आ गई, और sin theta की वैल्यू क्या आ गई 0 by 1, 0। अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, 1 था ना, और देख लीजिए 1 और 0 आयोटा, इसका मतलब रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो एंगल कितने डिग्री का मिलेगा आपको, एंगल मिलेगा 0 से 90 डिग्री के बीच का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो देखिए sin थीटा की वैल्यू 0 कौन से एंगल पर होती है, 0 पर ही होती है, सो थीटा ही 0, यहां भी पुट करके देख लीजिए cos 0 क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट व्हाट, थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 0 डिग्री। अब आपको पता है आंसर क्या आएगा, r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा, पुट करिए आंसर r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू इज व्हाट 1 into cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री प्लस में आयोटा 1 sin 0 डिग्री। तो ये आपका क्या आ गया, दिस वन इज योर फाइनल आंसर, आई होप आपको समझ आया होगा, सो डू मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, आपको इसको वही क्या करना है, एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, सेम है, तो करिए खुद माइनस 1 प्लस आयोटा इज व्हाट, क्या फॉर्मूला था आपका, आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा, इक्वेटिंग करिए, रियल पार्ट इज व्हाट माइनस 1 एंड रियल पार्ट इज हियर आर कोस थीटा, इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट आर साइन थीटा, this is what equation 1 and this is what equation 2, scaling and adding क्या बन गया, ये minus 1 का square 1 हो गया plus 1 का square भी 1, this what r square cos square theta plus same r square sin square theta, so what we will get 1 plus 1 is 2 is equal to what r square get common, we get what sin cos square theta plus sin square theta, आप तो प्रैक्टिस बहुत होगी होगी, आप तो डायरेक्ट लिख सकते हो 2 is equal to what r square, तो r की वैल्यू क्या मिल गई आपको plus minus root 2, तो आप क्या काउंट करोगे r is equal to root 2 क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। स्टेप 2, अब क्या करना है, इसको पुट करिए इन इक्वेशन 1 एंड 2, so equation 1 is what ये equations minus 1 is equal to r की value कितनी है root 2 cos theta, तो यहां से cos theta की value क्या बन गई आपकी minus 1 divided by root 2, this is what equation 3, अब second equation में put करिए 1 is equal to what r is equal to root 2 sin theta, so this becomes sin theta is equal to what 1 by root 2, on this is equation number 4, अब आपके equation number 3 भी आ गई, equation number 4 भी आ गई, अब आपको करना क्या है, अब आपको angle find out करना है, angle find out करने के लिए क्या rule था, quadrant check करिए, so please make a note first, अब check करिए आपका क्या है, अब आपको theta की value निकालनी है, अपना complex number check करिए, real number क्या है आपका, real है negative और इमेजिनरी क्या है पॉजिटिव, क्वाड्रेंट कौन सा हुआ रियल नेगेटिव क्वाड्रेंट पॉजिटिव, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। तो सिंपल सा भी बताया था 180 माइनस करके निकालना है आंसर। सो 180 माइनस व्हाट, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पर होती है, 45 डिग्री पर। सो 90 में से सॉरी 180 माइनस 45 वी गेट 135 डिग्री, और 135 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3π/4, क्योंकि π/4 का मतलब 45 होता है, और 45 × 3 कितना होता है 135। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर ये था r, r की वैल्यू क्या आई थी आपकी, r की वैल्यू इज व्हाट, √2। तो आपका आंसर आ गया √2 cos, और एंगल आपका 3π/4 प्लस में आयोटा √2 sin 3π/4। सो ये आपका क्या बन गया फाइनल आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ही आपके आगे काम आएगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाओगे। इट्स टफ। क्या है इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रूल्स है, उसको समझिए और नोट करिए इसको। हम इस टाइप के क्वेश्चनों को प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं इजीली, वेरी इजीली। कैसे करेंगे देखिए, प्रॉपर्टी याद रख लीजिए इसके लिए। आपको पता है कि पोलर फॉर्म जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, आर थीटा मैं आपको पहले से ही रीड करा चुका, कैसी फॉर्म होती है, आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा, दिस इज द फॉर्म। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये शॉर्टकट तरीका होता है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं। जब आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं Z1 × Z2, तो Z1 को मैं लिख सकता हूँ Z1 इज व्हाट, R1 × angle θ1 लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में। सिमिलरली Z2 को क्या लिख सकते हो, R2 θ2 लिख सकते हो, या लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना, जैसे मैं इसको लिखता हूँ ये क्या बन जाएगा Z1 R1 cos θ1 प्लस आयोटा R1 sin θ1। सेम Z2 लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, R2 cos θ2 प्लस में आयोटा R2 sin θ2 लिख सकते हैं। तो अब इस फॉर्म को मत अवॉइड करिए, इस फॉर्म पे आइए फोकस। अब हम इस फॉर्म की बात कर रहे हैं, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टी है, इजीस्ट सी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है उसको मैं लिखने चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप ऐसा करिए, इसको नोट करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, याद रखिएगा √1। दो ही रूल याद रखने हैं आपको, √1। यदि आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, मतलब Z1 और Z2 मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या लिखोगे इसको। Z1 क्या था आपका, R1 angle θ1 मल्टीप्लाई किसके साथ थी, ये R2 angle θ2 के साथ, ठीक है। तो पहले आप एक बार नोट करिए, फिर मैं स्कोर अप करके उसको अच्छे तरह रिप्रेजेंट करूंगा। सो प्लीज मेक अ नोट, ध्यान से देखिएगा, दिस इज R1 θ1, दिस इज R2 θ2। जब आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं तो क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड जो होता है मॉडुलस, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब आपको जो रिजल्ट मिलेगा इसका, वो रिजल्ट क्या मिलेगा, R1 × R2, दोनों का मॉडुलस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो एंगल आएगा वो दोनों का एंगल क्या हो जाता है, ऐड रहता है θ1 + θ2। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमेशा रिमेंबर याद रखना। इसी टाइप से रूल टू क्या है, यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 / Z2 है, इसका मतलब क्या है, R1 angle θ1 / R2 angle θ2, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, जब आपका डिवाइड में है तो मॉडुलस क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब आपको मिलेगा रिजल्ट R1 / R2, और जो एंगल मिलेगा वो एंगल मिलेगा सब डिफरेंस, इसका मतलब θ1 − θ2, ये आपका आंसर होगा। तो इन दोनों रूल को याद रख लीजिए, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका मॉडुलस मल्टीप्लाई होता है और एंगल ऐड हो जाता है, और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आते हैं तो उनका मॉडुलस डिवाइड हो जाता है
और एंगल क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो दीज टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कॉम्प्लेक्स, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक एनडीए या जेआईआईटी एग्जाम के लिए क्रैक करना जरूरी है। तो ये दीज टू रूल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल्स है, सो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए इसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे हमारा एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले हम इसको निकालते हैं, इसकी पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस आयोटा, इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, स्टेप वन क्या था, इक्वेटिंग करने का, करिए इक्वेटिंग। रियल पार्ट इज व्हाट, 1, रियल पार्ट इज व्हाट, आर कोस थीटा, इक्वेशन 1। यहां पे कंपेयर करिए, इमेजिनरी पार्ट इज नेगेटिव 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट, r sin थीटा, दिस इज इक्वेशन व्हाट 2। अब क्या करना है, एडिंग करना है, एडिंग करिए, स्केलिंग एंड एडिंग, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इज इक्वल टू r स्क्वायर, और ये बन गया आपका cos स्क्वायर थीटा, प्लस सेम ये क्या बन गया r स्क्वायर, एंड दिस वन इज आल्सो sin स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस 1 इज व्हाट r 2 एंड दिस इज आर स्क्वेयर, सो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अगेन 1 बनेगा। तो इतना तो शॉर्टकट आप तो सीख गए होंगे, तो दिस बिकम्स रूट 2, आपको r की वैल्यू क्या मिल गई, रूट 2 मिल गई। अब आपको क्या निकालना है, पुट इट करना है इक्वेशन 1 एंड 2, सो पुट करो इट इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 इक्वेशन क्या है आपकी, 1 इज इक्वल टू r की वैल्यू रूट 2 आ गई cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या बन गई आपकी यहां से 1 बाई रूट 2। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन पुट करिए, क्या ये माइनस 1 इज इक्वल टू r है रूट 2 और sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस के 1 बाई रूट 2। तो यहां से आपको cos थीटा भी मिल गया, sin थीटा भी। अब सबसे पहले अपना कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, तो रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां आता है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं आपको सॉल्व करके, जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा होता है, 0 से लेकर माइनस 90 के बीच में होता है, इसका मतलब आपको एंगल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। पुट इट करिए, यहां पे वैल्यू चेक करिए, दोनों की वैल्यू देखो सेम है, इसका मतलब एंगल क्या होगा 45 और नेगेटिव का, तो आपका आंसर कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस 45 डिग्री। इसको हमने 1 माना था, तो आपका यहां से क्या निकल गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इसका निकल गया आर 1। तो इसको नोट कर लीजिए, आर 1 आपका कितना आ गया, इसको मैं आर 1 मान लेता हूं, तो आर 1 बन गया आपका कितना रूट 2, और थीटा 1 कितना बन गया आपका माइनस 45। सो प्लीज मेक अ नोट, जस्ट वेट अ मिनट, आपने क्या करा, थोड़ा सा गलत किया, यहां पे आयोटा माइनस 1 था, हमने यहां क्या लिख दिया 1 माइनस आयोटा लिख दिया, इसका मतलब उल्टा कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूं, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आयोटा पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो इसको अब मैं लिखूंगा, चेंज कर रहा हूं, आप भी चेंज करिए इसको, ये माइनस का है ये पॉजिटिव का, तो चेंज क्या फर्क हुआ, ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा, सेम ये भी माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा, सब चीज ठीक है। अब इससे क्या हुआ, आपका रूल चेंज हो गया, क्वाड्रेंट चेंज हो गया, इससे कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, अभी रियल पार्ट तो क्या है आपका नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, रियल पार्ट नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ नहीं इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में। तो आप देखिए 1 बाय रूट 2 कौन से एंगल पर वैल्यू होती है, 45 पर होती है, तो निकालने का रूल क्या था, 180 माइनस करके, तो आपका आंसर कितना आ गया, यहां से तो 45 डिग्री मिला आपको, तो आपका आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो आपका एंगल क्या काउंट होगा 135। से जो मैंने करेक्शंस की है, तो प्लीज मेक अ नोट, क्या था कि रियल पार्ट नेगेटिव हो गया और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा गया सेकंड,
सेकंड क्वाड्रेंट में अंतर कितना होता है 90 से 180 के बीच में, सो 90 सेकंड क्वाड्रेंट, और आपको निकालने का रूल क्या था 180 माइनस करके क्वाड्रेंट। देखो ये वैल्यू 1/2 किस पे आती है 45 पे, तो 180 माइनस 45 कितना हो गया 135। सो यहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू -45 नहीं मिली बल्कि कितनी मिली 135। सो प्लीज नाउ मेक अ नोट एंड डू करेक्ट। नाउ प्लीज मेक अ लुक, अब आपको एंगल कितना मिल गया 135 थीटा 1, और इसको थीटा 135 को क्या लिख सकते हो पाई के फॉर्म में 3π/4। अब देखिए अब आपको सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, सेकंड ये, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो ऑलरेडी पहले से ही पोलर फॉर्म में है, cos पाई बाय 3 प्लस में आयोटा sin पाई बाय 3, आपको पता ही कौन सी फॉर्म है, पोलर है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप कंपेयर करिए इसको r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा, तो थीटा कंपेयर करिए थीटा कितना आ गया इसके इसमें पाई बाय 3, तो इसको क्या मान लेते हैं थीटा 2, थीटा 2 की वैल्यू मिल गई आपको पाई बाय 3। अब r कंपेयर करिए, r तो होता है cos थीटा के साथ, cos थीटा के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी इसको r2 माना हुआ है तो r2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो आपको थीटा 1 भी आ गया, सेम आ गया, पुट करिए रूल क्या था, रूल करिए r1 एंगल थीटा 1 डिवाइड बाय r2 एंगल थीटा 2 किसके इक्वल होता है r1 डिवाइड बाय r2, और एंगल क्या होता है थीटा 1 माइनस थीटा 2। r1 क्या है आपका रूट 2 है, r2 क्या है 1 है, और थीटा 1 एंगल कितने डिग्री का है 1, तो 3π/4 लिख सकता हूं इसको, पाई वो मिल कितना होगा माइनस, और ये कितना है पाई बाय 3, ये आंसर आएगा। अब आपको पता है रूट 2/1 कितना होता है, रूट 2 होता है, अब इसको सॉल्व करो एक बार 3π/, सॉरी मैं यहां सॉल्व कर देता हूं इसको, यहां पर कर रहा हूं सॉल्व इसको 3π/, क्या यहीं पे कर देते हैं एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम कितना आया 12, सो 3 × 3 9π, 4 × 1 4π, सो दिस इज व्हाट 5π/12, तो आपको क्या मिल गया 5π/12, तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका r की वैल्यू क्या है रूट 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है 5π/12। आई होप आपको समझ आएगा, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, देन आई विल राइट इट पोलर फॉर्म आल्सो, तो मैं यहां नोट कर देता हूं क्या पोलर फॉर्म थी r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा, r की वैल्यू कितनी आई आपकी रूट 2, cos थीटा की वैल्यू कितनी आई 5π/12 प्लस आयोटा r की वैल्यू रूट 2 sin व्हाट 5π/12, दिस इज आवर आंसर, सो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके सभी पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो कब करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, तो आप अपने ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे है। सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने यहाँ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रीड करे हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और टफ क्वेश्चन के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने यूट्यूब, अपने व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक पे आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके, तो क्योंकि मैं एलिमेंट्स के हर क्वेश्चंस का ईच पार्ट को यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, तो कोई स्टूडेंट्स एलिमेंट मैथमेटिक्स रीडिंग कर रहा हो और उसको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सारी वीडियो को देख सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चैनल क्या है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एवरीवन कैन सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, सो वी विल मीट वेरी सून, प्लीज मेक अ नोट।